हेलो फ्रेंड्स, वी आर स्टार्टेड सेशन नंबर 13, चैप्टर नंबर 5, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। सो नाउ इन दिस सेशन वी आर डिस्कस अबाउट ह्यूमन इवोल्यूशन, ऑर्डर प्राइमेट्स एंड सब ऑर्डर एंथ्रोपोइडिया। तो आज हम लोग देखेंगे एंथ्रोपोइडिया, क्योंकि हम लोग ह्यूमन इवोल्यूशन में, इवोल्यूशन ऑफ प्राइमेट में हम लोगों ने सब ऑर्डर कल प्रॉस इन लास्ट सेशन हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, प्रोसेमी, इसमें ल्यूमर और ट्रेशर स्टडी किया था। नाउ द सेकंड सब ऑर्डर इज अ एंथ्रोपोडिया। सो एंथ्रोपोडिया इंक्लूड न्यू वर्ल्ड मंकीज, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज एंड होमोनाइडिया। फर्स्ट वन इज अ न्यू वर्ल्ड मंकी, जो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, आज हम लोग स्टडी करेंगे इन ह्यूमन इवोल्यूशन द सेकंड सब ऑर्डर एंथ्रोपोडिया। सो इन एंथ्रोपोडिया इंक्लूड थ्री डिफरेंट ग्रुप्स, न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी एंड होमिनोइडिया। सो फर्स्ट वन इज अ न्यू वर्ल्ड मंकी। नाउ देर आर फाइव फैमिलीज ऑफ प्राइमेट्स, ओके, एंड दे आर मोस्टली फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ सेंट्रल एंड सदर्न अमेरिका एंड मैक्सिको। तो ये जो न्यू वर्ल्ड मंकी है वो स्पेशली सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में पाई जाती है एंड मैक्सिको में पाई जाती है, ये एशिया कंट्री में पाई नहीं जाती है। सो दीज मंकी आर कॉल्ड एज हिंस, दे आर कॉल्ड एज अ न्यू वर्ल्ड मंकी, जो सिर्फ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका एंड मैक्सिको में पाई जाती है। सो नाउ इन द न्यू वर्ल्ड मंकी दे हैव अ फ्लैट नोज। इस मंकी की खासियत है उनका जो नोज है वो फ्लैट है, एंड देयर नोजेज आर फ्लैटर दैन दोज आर द अदर सीमियंस। अदर जो सीमियंस है एप लाइक और मंकी लाइक जो अदर प्राइमेट्स है, ओके, उसके से उसके सीमियन कैसे फ्लैटर, सीमियन मीन्स हाथों की जो होल्डिंग कैपेसिटी वो बोलते ना सीमियन, जस्ट लाइक अ बिलोंगिंग टू द एप और मंकी जैसा। सो सीमियन इज अ फ्लैटर एंड साइडवेज फेसिंग नोस्ट्रिल, जो नोस्ट्रिल है वो कैसी है, साइड वे फेसिंग। प्रीहेंसिल टेल, प्रीहेंसिल टेल मीन्स जो होल्डिंग कैपेसिटी है टेल की, किसी भी ब्रांच पर चढ़ने के लिए होल्डिंग कैपेसिटी जो उसको बोलते हैं प्रीहेंसिल, प्रीहेंसिल टेल एंड प्रिमेटिव डेंटेशन। सो नाउ इन दिस न्यू वर्ल्ड मंकी दे हैविंग 36 टीथ। तो न्यू वर्ल्ड मंकी में हम लोग देखोगे तो फ्लैट नोज है, ओके, अदर सीमियन से उनका नोज ज़्यादा फ्लैटर है, साइड वाइज फेसिंग नोस्ट्रिल है, नोस्ट्रिल जो है साइड वाइज फेसिंग नोस्ट्रिल है, प्रीहेंसिल टेल है, होल्डिंग कैपेसिटी है टेल में, एंड प्रिमिटिव डेंटेशन 36 टीथ। सो नाउ इन न्यू वर्ल्ड मंकी, न्यू वर्ल्ड मंकी इंक्लूड फाइव फैमिलीज, इस न्यू वर्ल्ड मंकी में फाइव फैमिलीज, आपको इतना डिटेल में नहीं है बट आई विल शो इन डिटेल, आपको जितना फैमिलीज है हर एक टाइप के जो न्यू वर्ल्ड मंकीज है वो आपको मैं दिखाऊंगा। तो वन बाय वन हम लोग जाएंगे, फैमिली कैलिथ्री सीडिया, ओके। नाउ द फैमिली कैलिथ्री सीडिया इंक्लूड दिस मंकी, ओके, इसमें एग्जांपल्स है मैरमोसेट्स एंड टैमरिन्स। तो ये मैरमोसेट और टैमरिन सिर्फ ये मैक्सिको में, अमेरिका में पाए जाते हैं, ये मंकी एशियन कंट्री में पाए नहीं जाती है। न्यू वर्ल्ड कैलिथ्री सीडिया। सेकंड इज अ सिबाडिया, सिबाडिया ये कैपुचिन मंकी और स्कैरल मंकी है, ये सिबाडिया फैमिली में आती है, सेकंड फैमिली, ओके। इससे बट डायग्राम आपको समझने के लिए कि मंकी में डिफरेंस क्या है, तो पहले मैं हम लोगों ने देखा था कैलिट्री सीडिया में, दीज आर एग्जांपल्स, कैलिट्री सीडिया का एग्जांपल कौन सा था, मार्मोसेट एंड टैमरिन्स, इसमें मार्मोसेट एक साइड में है और टैमरिन साइड में है। सेकंड वन इज अ सिबाडिया, सिबाडिया में कैपुचिन मंकी एंड स्क्वैरल मंकी। फैमिली एओटीडिया में नाइट मंकी इन पनामा, पनामा में जो पाए जाते हैं अमेरिका साइड में, पनामा में नाइट मंकी, इसको नाइट मंकी ही बोलते हैं, रात को निकलता है, बिकॉज नॉक्टर्नल हैबिटेड है। एओटीडिया थे थर्ड फैमिली। फोर्थ फैमिली पिथीसीडिया, पिथीसीडिया में आप लोग वाइट फेस साकी मंकी देख सकते हो जो फ्रांस में पाया जाता है, टीटी मंकी जो है यूएसए में, यूकेरिस जिसका पूरा फेस रेड है। सो दिस आर द फिफ्थ फैमिली, फोर्थ फैमिली। नाउ द
फिफ्थ फैमिली इज एटिलीडिया। एटिलीडिया में आप लोग देख सकते हैं हाउलर मंकी है, ब्राज़ील में पाया जाता है। फर्स्ट वाला दिख रहा है वो हाउलर मंकी है, सेकंड स्पाइडर मंकी जो ब्लैक कलर में है, थर्ड वन इज उली स्पाइडर इन ब्राज़ील, ब्राज़ील में पाया जाता है उली स्पाइडर जिसके हाथ पैर बहुत लंबे हैं, एंड लास्ट वन इज उली मंकी, ये भी ब्राज़ील में ही पाया जाता है उली मंकी जिसका पूरा बदन उल से जैसा फर ज़्यादा है उसको। सो दीज आर द फोर स्पेशीज ऑफ फैमिली एटिलेडिया। सो ये वो आपका न्यू वर्ल्ड मंकी। सो आप लोग न्यू वर्ल्ड मंकी में वापस रिपीट जा रहा हूँ न्यू वर्ल्ड मंकी में। सो न्यू वर्ल्ड मंकी हैविंग फाइव फैमिलीज, फाइव फैमिली में पहली फैमिली देखा था हम लोगों ने कैलिट्रेडिया, सेकंड सिबाडिया, एओटीडिया, पिथासीडिया, एटिलेडिया। ये नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको मैं मंकी के जो डिफरेंस है आपको पता चलेगा क्या क्या डिफरेंस है, कौन कौन से फैमिली में आते हैं, सो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मगर न्यू मंकी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दीज आर द इम्पॉर्टेंट्स, बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है उनका, दे हैव फ्लैट नोजेस, वाइड स्प्रेड नोस्ट्रिल, वाइड स्प्रेड नोस्ट्रिल में उनका जो नोस्ट्रिल है थोड़ा सा फैला हुआ है, मैं आई विल शो इट इन द डायग्राम। इसका नोस्ट्रिल देख सकते हैं पहले मंकी का, इसमें वाइड स्प्रेड है, थोड़ा फैला हुआ है, वाइड स्प्रेड, इसमें रेड कलर में भी दिख रहा है आपको, इसलिए आई विल शो यू। सो दीज आर द एग्जाम्पल वाइड स्प्रेड, देखो उसका नोस्ट्रिल कैसा है, वाइड स्प्रेड, लॉन्ग प्रीहेंसिल टेल, प्रीहेंसिल मीन्स होल्डिंग वाली टेल है, प्रीहेंसिल, देखो नोज में फ़र्क है ना, वाइड स्प्रेड है, प्रीहेंसिल टेल, प्रीमेटिव डेंटेशन 36 टीथ है, एंड दे आर फाउंड इन साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको में पाए जाते हैं। ये वो आपका न्यू वर्ल्ड मंकी। नाउ नेक्स्ट वन इज अ ओल्ड वर्ल्ड मंकी। न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड में पहला डिफरेंस सेम, इन न्यू वर्ल्ड मंकीज आर फाउंड इन मोस्ट ऑफ द अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, सदर्न एंड सेंट्रल अमेरिका, बट ओल्ड वर्ल्ड मंकीज आर मोस्टली फाउंड इन एशियन कंट्रीज, दे आर एशियन एंड अफ्रीका, सो दे आर ओल्ड वर्ल्ड फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन ऑफ अफ्रीका एंड एशिया। सो नाउ दिस प्राइमेट्स आर स्ट्रक्चरली डिफर देन न्यू वर्ल्ड मंकीज, दे हैव 24 जनरा एंड 138 स्पीशीज। इसके टोटल रिकोगनाइज अभी तक कितने के, 138 स्पीशीज रिकोगनाइज किए गए ओल्ड मंकी के, एंड दे आर नेटिव टू द अफ्रीका एंड एशिया ट्रॉपिकल कंट्रीज। सो दे इंक्लूड बबून्स, इसमें क्या क्या आता है, बबून्स। तो इसमें ओल्ड वर्ल्ड मंकी में मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो डिफरेंस है, दे हैव नैरो नोजेज, न्यू वर्ल्ड मंकी का जो नोज है नोस्ट्रिल वो थोड़ा फ्लैटेंड है और वाइड स्प्रेड है, बट ओल्ड वर्ल्ड मंकी हैविंग अ नैरो नोजेज, शॉर्ट नॉन प्रीहेंसिल टेल, टेल रहेगी तो एकदम शॉर्ट है, नॉन प्रीहेंसिल मीन होल्डिंग के लिए नहीं रहती है वो, हम लोग न्यू वर्ल्ड मंकी की जो टेल है वो प्रीहेंसिल है, प्रीहेंसिल मीन्स होल्डिंग कैपेसिटी है उसके पकड़ने के लिए, बट नाउ ओल्ड वर्ल्ड मंकी में टेल होगी एकदम शॉर्ट है, नहीं तो नहीं है, तो होगी तो दीज आर नॉट प्रीहेंसिल। सो एक डिफरेंस, पहला डिफरेंस क्या है, नैरो नोजेस, शॉर्ट नॉन प्रीहेंसिल टेल एंड 32 टीथ। हम लोग न्यू वर्ल्ड मंकी में 36 टीथ देखे जो प्रिमेटिव टाइप में पाए जाते प्राइमेट्स में, मगर जो जैसे ओल्ड वर्ल्ड मंकी एडवांस होते गया दे हैविंग 32 टीथ। ओके, नाउ ओल्ड वर्ल्ड मंकी में हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल देखे ओलिव बबून, आपके सामने जो डायग्राम है देखिए उसकी पूंछ है मगर नॉन प्रीहेंसिल है, छोटी है, होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है उसमें, और इसका जो नोज़ है वो वाइड स्प्रेड नहीं है, नज़दीक है थोड़ा सा, नैरो है। ओके, ओल्ड वर्ल्ड मंकी में हम लोगों ने देखा था नॉस्ट्रिल थोड़ा सा वाइड स्प्रेड था। सो ये फर्स्ट एग्जांपल ओलिव बबून, तांजानिया में पाए जाते हैं अफ्रीका में। सेकंड ओल्ड वर्ल्ड मंकी में मैकेक बंदर आप बोलते हैं मैकेक मंकी, जो महाराष्ट्र में अपने यहाँ पे पाया जाता है मैकेक, तो इसका जो नॉस्ट्रिल है आप लोग देख सकते हैं नज़दीक है, इसकी पूछ है मगर इतना होल्डिंग के लिए इतना हेल्प नहीं करती है नॉन। ओके, सेकंड मैकाक देखा हम लोगों ने। थर्ड देखा लंगूर, ये भी इंडिया में पाया जाता है, हनुमान मंदिर बंदर बोलते हैं हम लोग इसको, तो दीज आर ऑल्सो ओल्ड वर्ल्ड मंकी। सो हम लोग डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन न्यू वर्ल्ड मंकी एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। न्यू वर्ल्ड मंकीज
हैव फ्लैट वाइड स्प्रेड नॉस्ट्रिल, उसका नॉस्ट्रिल आप डायग्राम नीचे देख सकते हो वाइड स्प्रेड है। ओवरऑल मंकी में डाउनवर्ड पॉइंटेड नॉस्ट्रिल जो है वो डाउनवर्ड पॉइंटेड है, क्लोजली स्पेस नॉस्ट्रिल, जो नॉस्ट्रिल है वो कैसा है, क्लोजली स्पेस नॉस्ट्रिल है। इसमें जो 36 टीथ है न्यू वर्ल्ड मंकी में, सो हैविंग थ्री प्री मोलर जो ओल्ड वर्ल्ड मंकी में नहीं पाए जाते हैं। सीटिंग पैड्स से बैठने के लिए नीचे सीटिंग पैड्स है, मोस्टली अर्बोरियल। न्यू वर्ल्ड मंकी कैसा है, मोस्टली अर्बोरियल, अर्बोरियल में प्लांट पे रहने वाला, मगर ओल्ड वर्ल्ड मंकी है वो अर्बोरियल नहीं है, टेरेस्ट्रियल भी है, कुछ लंगूर वंगूर सिर्फ चढ़ते रेयरली, मगर वो पूरे कम्प्लीटली अर्बोरियल नहीं है ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। ओके, फ्रूटिगोवरस मीन्स फ्रूट खाने वाले हैं, जो न्यू वर्ल्ड मंकी है मोस्टली फ्रूट पे डिपेंड रहते हैं, बट नाउ ओल्ड वर्ल्ड मंकी ओमनीवरस है, वेज भी खाते हैं नॉन वेज भी खाते हैं। सो दिस आर द सम डिफरेंस बिटवीन न्यू वर्ल्ड मंकी एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकी। तो पहला डिफरेंस तो आप लोग देख सकते हैं कि वाइड स्प्रेड नॉस्ट्रिल ओल्ड वर्ल्ड मंकी में पॉइंटेड है एंड क्लोजली नैरो नोसेज है, जैसे नैरो नोसेज है। प्रीएंसिल टेल है, इसमें प्रीएंसिल टेल नहीं है, नॉन प्रीएंसिल टेल है, नॉन प्रीएंसिल में इतना होल्डिंग के लिए इतना हेल्प नहीं करता उनको। सो दिस आर द सम डिफरेंस बिटवीन द न्यू वर्ल्ड मंकी एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकी। सो नाउ इन सब ऑर्डर एंथ्रोपोइडिया, एंथ्रोपोइडिया में हम लोगों ने न्यू वर्ल्ड मंकी देखा, ओल्ड वर्ल्ड मंकी देखा, नाउ द थर्ड वन इज अ होमिनोइडिया। सो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं होमिनोइडिया, हम लोग सब ऑर्डर एंथ्रोपोडिया में देख रहे हैं। एंथ्रोपोडिया में तीन ग्रुप है, न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी एंड होमिनोइडिया। तो होमिनोइडी का हम लोग डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हैं, दिस आर द सम क्लासिफिकेशन। होमिनोइडा का जो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ, फैमिली ट्रीज है, दो फैमिली में गए हैं होमिनोइडिया एंड हेलोबेडिया। इसमें हम लोग बाद में देख सकते हैं होमिनोइडिया में पोंगिनिया है, होमिनिया, इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे डाइवर्ट ओवर ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ। सो नाउ इन दिस इवोल्यूशन, सो वी कैन ईजिली सी द इवोल्यूशन ट्री अबाउट द होमिनिडिया। सो इन होमिनिडिया इंक्लूड गोरिला भी इंक्लूड होता है, ओरंगटांग, गिब्सन, चिंपांजीज, ऑल दे आर इंक्लूड इन होमिनिडिया। सो होमिनिडिया आर द ग्रुप ऑफ प्राइमेट्स दैट इंक्लूड 22 स्पीशीज। होमिनिडियाज आर द ग्रुप ऑफ प्राइमेट्स इंक्लूड 22 स्पीशीज। नाउ एप ऑल्सो रेफर टू द होमिनोइड्स, जो एप मंकीज हैं, एप मंकीज में गिब्सन आता है, चिंपांजी आता है, ओरंगटांग आता है, गोरिला आता है, ऑल दे आर इंक्लूड इन एप्स, दे आर रेफर एज होमिनोइड्स, दे इंक्लूड चिंपांजी, गोरिला, ओरंगटांग एंड गिब्सन। द ह्यूमन आर ऑल्सो क्लासीफाई विद इन द होमिनोइड्स, ह्यूमन बींग जो है वो भी होमिनोइड्स में ही आता है उसका क्लासीफिकेशन में। दे हैव इवॉल्व साइमल्टेनियसली, इसका जो इवोल्यूशन हुआ है वो साइमल्टेनियसली एंड हैव अ कॉमन एंसेस्टर, ह्यूमन से लेके गोरिला से लेके चिंपांजी और ओरंगटांग गिब्सन, उनका एंसेस्टर कैसे है, कॉमन। मोस्ट होमिनाइड विद एक्सेप्शन ऑफ ह्यूमन आर गोरिला आर स्किल एंड एजिल ट्री क्लाइंबर्स। तो मोस्ट ऑफ द होमिनॉइड्स जो है ट्री क्लाइंबर्स हैं, इसमें गोरिलाज और ह्यूमन बींग्स नहीं आते, वो ट्री क्लाइंबर्स इतने शातिर नहीं है, बट मोस्ट होमिनाइड्स आर ट्री क्लाइंबर, ट्री पे चढ़ सकते हैं, हम लोग भी चढ़ते हैं ट्री पे, मगर उतने चिंपांजी उतने नहीं। सो होमिनॉइड्स ये, नाउ होमिनॉइड्स के कैरेक्टर्स देखते हैं हम लोग, टू कंपेयर विद द अदर प्राइमेट्स, होमिनॉइड्स हैव अ लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो उनकी रीढ़ की जो हड्डी है वो स्ट्रेट है, जो पोस्चर जो है, ओके, सो लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ग्रेविटी का उसका फ़ायदा होता है स्ट्रेट पोस्चर रखने के लिए। शॉर्टन स्पाइन रिलेटिवली टू द बॉडी लेंथ, जो बॉडी लेंथ से उसका जो स्पाइन है, बैकबोन का जो स्पाइन है वो शॉर्टर है, ब्रॉड पेल्विस है एंड वाइड चेस्ट। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द होमिनॉइड्स कैन स्टैंड इन इरेक्ट पोर्शन, होमिनॉइड जितने भी है वो इरेक्ट पोर्शन में खड़े रह सकते दो पैर पे। ओके, देयर जनरल फिजिक गिव देम द मोर अपराइट पोस्चर देन द अदर प्राइमेट्स। सो इनका जो मेन पोस्चर है, जनरल पोस्चर है ये, इट अलाउ फॉर मोर अपराइट पोस्चर, जो पोस्चर जो है स्पाइन छोटा होने की वजह से, ओके, स्पाइन छोटा होने की वजह से, बॉडी लेंथ के लेंथ से, ओके,
ब्रॉड पेल्विस होने की वजह से, वाइड चेस्ट होने की वजह से, द प्राइमेट्स ये जो हुमेनॉइड्स है दे कैन स्टैंड अपराइट डायरेक्शन अगेंस्ट ग्रेविटी. हुमेनॉइड्स ऑल्सो लैक अ टेल. हुमेनॉइड्स में टेल प्रेजेंट नहीं रहती है एंड दे आर हाईली इंटेलिजेंस. एक तो टेल प्रेजेंट नहीं है, हाईली इंटेलिजेंस है एंड कैपेबल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्वर. आप लोग हुमेनॉइड में चिंपांजी लेके गोरिल्ला सब प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कैपेबल है. ओके, चिंपांजी एंड ओरंगुटांग मेक एंड यूज सिंपल टूल्स. ह्यूमन बींग तो करता ही है बट चिंपांजी और ओरंगुटांग भी सिंपल टूल्स यूज कर सकते हैं हुमेनॉइड्स में. तो हुमेनॉइड्स का एग्जांपल है, पहला है गिब्सन. ओके, हुमेनॉइड का फर्स्ट एग्जांपल कौन सा है? गिबन्स. सेकंड वन इज ओरंगुटांग्स. ओके, ओरंगुटांग्स. नेक्स्ट चिंपांजीज. देखो सोशल कैसे है, खेल रहे हैं. सो दीज आर द चिंपांजीज. गोरिलाज. ओके, दीज आर द हुमेनॉइड्स. हुमेनॉइड्स का मेन डिफरेंस देखो यहाँ पे, दे आर इवॉल्व साइमल्टेनियसली फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर. ओके, बॉडी पोस्चर इज अ स्ट्रेट, स्पाइन इज शॉर्टर देन बॉडी, दे हैविंग 32 टीथ. होल्डिंग कैपेसिटी है, टेल इज अब्सेंट. टेल इज अब्सेंट. ओके, द एग्जाम्पल्स आर गिबन्स, ओरंगुटांग्स, चिंपांजी एंड गोरिलास. गिबन्स, ओरंगुटांग, चिंपांजी एंड गोरिलास. सो दीज आर द एग्जाम्पल, चिंपांजीज, ओरंगुटांग्स, गिबन्स. तो लोग क्लासिफिकेशन भी देख सकते हैं यहाँ पे. हुमेनॉइड्स दे आर कॉमन एंसेस्टर. तो नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज द डिफरेंस बिटवीन एप एंड ह्यूमन. एप में चिंपांजी, ओरंगुटांग्स, गिबन्स आता है और गोरिल्लाज आता है. सो सम डिफरेंस. ओके, नाउ दे आर टॉलेस्ट प्राइमेट्स. एप्स कैसे टॉलेस्ट प्राइमेट्स. ह्यूमन्स आर नॉट ओनली एक्सटिंक्ट मेंबर्स ऑफ द हुमेनॉइड्स. सम डिफरेंस इसमें हम लोग फिजिकल डिफरेंस देखेंगे. आर्म्स एंड लेग्स ऑफ एप आर मोर सुपीरियर टू दैट ऑफ द ह्यूमन. ह्यूमन से ज़्यादा सुपीरियर है, कंपेरेटिवली लेस सुपीरियर. आर्म्स और लेग्स कंपेरेटिव लेस सुपीरियर है. यूज़ ऑफ फीट ऑफ ग्रेप्स ऑब्जेक्ट. पकड़ने के लिए एप्स यूज देयर फीट टू ग्रेप्स ऑब्जेक्ट. ह्यूमन लैक दिस एबिलिटी. जो ग्रास्पिंग कैपेसिटी है, ग्रास्पिंग मीन्स पकड़ने की होल्डिंग कैपेसिटी, वो एप में ज़्यादा अच्छी है. स्किन हेरी है एंड ठीक है, बट ह्यूमन में स्किन कैसी है? थीन है एंड वेरी लेस हेयर्स. इंटेलिजेंस कैसा है एप का? लो, वाइल ह्यूमन का इंटेलिजेंस हाई. सब डिफरेंस मैंने आपको जस्ट दिए हैं तो एप और ह्यूमन के. सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. ओके, थैंक यू, टेक केयर. और जितने मैंने स्पीशीज बताए वो इतना डिटेल में नहीं है आपको, मगर न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी और हुमेनॉइड्स के थोड़े से कैरेक्टर आने चाहिए और आपको डिफरेंस पता चलना चाहिए. इसलिए मैंने बहुत सारे स्लाइड्स, पिक्चर स्लाइड्स इसमें इंक्लूड किए. ओके, थैंक यू, टेक केयर.